कहीं क्यों ना जाऊं, बहन की शादी मत रोकना। सुसाइड नोट में इतना लिखकर बैंक कर्मी ने तालाब में छलांग लगा दी। गुरुवार को उसने सुसाइड किया, शुक्रवार उसका शव मिला है। तालाब किनारे जैकेट, मोबाइल और दो सुसाइड नोट मिले, जिसमें बैंक कर्मी ने साथी अधिकारी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। राजगढ़ के खिलचीपुर में गुरुवार को बैंक कर्मी प्रदीप राणा लापता हो गया था। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। रात तक वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। रानीबाग के तालाब के किनारे उसकी जैकेट और मोबाइल मिला। जैकेट के ही पास दो सुसाइड नोट भी थे। आत्महत्या की आशंका जताते हुए परिवार ने पुलिस को सूचित किया। तालाब में गोताखोरों की टीम गुरुवार शाम 7 बजे तक शव तलाश करती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंधेरा होने पर रेस्क्यू रोक दिया गया। शुक्रवार सुबह गोताखोर फिर से तालाब में कूदे। शव नहीं मिलने पर उन्होंने मछली के जाल का सहारा लिया और पूरे तालाब में जाल को डाल दिया। काफी प्रयास के बाद शव जाल में फंस गया, जिसे बाहर निकाला। प्रदीप राणा के छोटे भाई दीपांशु राणा ने कहा कि भाई को जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं मुखाग्नि नहीं दूंगा। भाई की मौत के जिम्मेदार सिरोटिया रवि चौहान, केजी और धर्मेंद्र है। जब 2020 में उसने कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी ज्वाइन की थी, इसके कुछ दिन बाद ही उस पर लाखों रुपए के गबन के आरोप लगा दिए गए। ये लोग 2017 से बैंक में रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं। भाई को इसका पता चल गया था, वो बहुत सीधा था। इसी का फायदा उन लोगों ने उठाया। भाई ने मुझे बताया था कि वह बिना कागज देखे कोई भी ट्रांजेक्शन पास नहीं करता था। उसकी अनुपस्थिति में किसी ने गलत ट्रांजेक्शन कर लाखों रुपए का घोटाला किया। प्रदीप के परिजनों और आसपास के लोग तहसील चौराहे पर धरने पर बैठ गए और सड़क को जाम कर दी। उसको न्याय दिलाना भैया, उसको न्याय दिलाना। वो बहुत सीधा आदमी है। कौन है इस आरोपी के लिए? वो सिरोटिया डीआर सिरोटिया सुरेंद्र सिंह चौहान, रवि सोमनिया, हेमंत शर्मा, केजी मिश्रा। मौके पर उसकी मृतक की जो बहन है उसको जैकेट और कुछ कागज आवाज और मोबाइल मिले हुए हैं और उस संबंध में उसकी जांच की जाती है और किसी के ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि ये गबन किसी वक्त मार दिया गया।